बढ़ते नशे के कारोबार की, जिस पर मध्य प्रदेश में अब शिकंजा कसना शुरू हो गया। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और बड़ी खबर, नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस का एक्शन। तो 24 घंटे में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। सीएम शिवराज ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश में अवैध कारोबार के करीब 11,000 मामले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, 1100 मामले इसमें सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर में 40 से अधिक हुक्का बार जो लाउंज है वो सील किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 100 जगह पर दबिश दी गई है, कार्रवाई की गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं या ये बात करें कि लगातार कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर बात एक स्पष्ट है कि अब प्रदेश में नशा बर्दाश्त नहीं होगा, साफ तौर पर सीएम की और प्रशासन की यही मंशा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रदेश में यही ताबड़तोड़ कार्रवाई का उदाहरण है कि करीब 1100 से ज्यादा मामले नशे के आए हैं। मंदसौर की बात करें, राजगढ़ सागर की बात करें, रायसेन की बात करें, भोपाल इंदौर सीहोर, तो तमाम ऐसे शहर हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ढाबे पर नशा कराने वाले लोग हों, हुक्का बार चलाने वाले हों, होटल रेस्टोरेंट में अवैध शराब बेचने वाले लोग हों, उन पर सख्ती के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। और यही नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर 1100 से जो ज्यादा मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल या इंदौर की बात करें तो कई हुक्का बार ऐसे हैं सैकड़ों की संख्या में जहां पर हुक्का बार को पुलिस ने सील किया है। तो कुल मिलाकर अब नशे के खिलाफ पुलिस भी सख्त नजर आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि अब उसका असर देखने को मिल रहा है। और अब लेकिन ये कार्रवाई कितनी असरदार होती है, क्या कंटिन्यू कितने दिन तक चलती है, ये देखने वाली बात होगी। यदि लगातार पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो वाकई अवैध नशे को लेकर, नशे के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है वो रंग लाती हुई नजर आएगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास की बात करें या शहर के बाहर चलते हुए ढाबे की बात करें, होटल रेस्टोरेंट की बात करें, तो बड़ी संख्या में नशे का कारोबार चलता है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को मिले फीडबैक के आधार पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यमंत्री ने डीजीपी और समस्त जो एसपी कलेक्टर हैं उनको निर्देशित किया है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई अब सामने आने लगी है। विजय, शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। तो नशे पर और उसके अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा, और मध्य प्रदेश के कई अलग जगहों पर कार्रवाई हुई है, 1100 मामले सामने आए हैं। इंदौर और भोपाल में 40 से ज्यादा हुक्का बार सील किए गए हैं।